हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल APS एजुकेशनल पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले पाएं और उन्हें देखें और अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं UPTET के खास क्वेश्चन, वो भी बाल विकास के। पहला क्वेश्चन है, बालकों के विकास के किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? वह अवस्था है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारण किया है 12 से 18 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर थ्री, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक की प्रेम भावना काम प्रगति पर होती है? फ्रायड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर फोर, बाल्यकाल का समय क्या होता है? 6 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर फाइव, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर सिक्स, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर सेवन, विकासवाद के समर्थक हैं DK बोस, गाल्टन एवं डार्विन। क्वेश्चन नंबर एट, विकास का तात्पर्य क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है? पूर्ण किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर टेन, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? जन्म से पूर्व अर्थात गर्भकाल में। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं होती हैं, या कथन हर लाग का है। शैक्षिक दृष्टि से बालक की कितनी अवस्थाएँ होती हैं? 3 अवस्थाएँ होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 14, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आकार में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन और समझ कौशलों में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। क्वेश्चन नंबर 16, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? किशोरावस्था में तनाव क्रोध बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वह अवस्था जब बच्चा या बालक तार्किक रूप से वस्तुओं का घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता से, यह विचार निरंतरता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिवृद्धि क्या होगी? 120। सूत्र होता है मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। क्वेश्चन नंबर 20, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं, यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 21, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? फ्रायड थे। क्वेश्चन नंबर 22, मुझे बालक दे दीजिए, उसे जैसा आप चाहते हैं बनाना, मैं उसे वैसा ही बनाऊंगा, यह कथन वाटसन का है। क्वेश्चन नंबर 23, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की स्थितियां होती हैं? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। 24 नंबर है, इड ईगो सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न मानता है? फ्रायड मानता है। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, मृत्यु एवं जीवन, यह भी फ्रायड का मानना है। क्वेश्चन नंबर 26, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संबंधों का स्वास्थ्य विकास हो सकता है, यह वातावरण में निर्भर करता है कि वातावरण कितना शुद्ध है या स्वस्थ है। क्वेश्चन नंबर 27, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? समस्त प्राणियों में होती है और जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का होना चाहिए, तभी वो बालक कुछ सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? और मनोवैज्ञानिक है स्किनर। लास्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ लेवल कितना होता है? 71 से कम होता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे।